वेलकम टू देनी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जितनी भी संख्याएं हैं वो दो भागों में वर्गीकृत है, एक है वास्तविक संख्या और दूसरी है अवास्तविक संख्या। फिर वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं को अच्छे तरह से समझने के लिए हम लोगों को सेट थ्योरी का थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं सेट को। सेट को हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, और समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। मान लेते हैं एक समुच्चय ए है जो एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से बनाया गया। मान लेते उसके अंदर है A1, A2, A3, A4, A5। एक कक्षा में पढ़ने वाले पांच छात्रों से एक कलेक्शन तैयार किया गया, इसे हम लोग कहेंगे सेट। A1, A2, A3, A4, A5 इस सेट का मेंबर है, एलिमेंट। इनको कहेंगे हम लोग एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है कि एलिमेंट की पुनरावृत्ति ना हो। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन ए सेट, यानी एक समुच्चय के अंदर किसी अवयव की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। और डिस्टिंग्विशेबल यह बताता है कि वह एलिमेंट उस समुच्चय का सदस्य है या नहीं। जैसे A1 A का एक सदस्य है, इसलिए इसे लिखा जाएगा A1 belongs to A। इस सिंबल को पढ़ा जाता है belongs to या is a member of। अगर जैसे A6 इसका मेंबर नहीं है तो उसे लिखा जाएगा A6 does not belong to A। या इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए। क्लियर है सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंक्ट का अर्थ हुआ कि एलिमेंट की पुनरावृत्ति, यानी एलिमेंट इसके अंदर रिपीटेशन नहीं हो सकता एलिमेंट का। और डिस्टिंग्विशेबल यह बताता है कि वह एलिमेंट उस सेट का सदस्य है या नहीं। A1 A का सदस्य है, इसलिए इसे लिखा जाता है A1 belongs to A। और A6 इसका मेंबर नहीं है, इसलिए इसे लिखा जाएगा A6 does not belong to A। अब चलिए आगे देखते हैं सबसेट को और प्रॉपर सबसेट को, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लिया A और B दो सेट है, और A का सारा सदस्य B के अंदर, मैंने ए का जो भी सदस्य है वह बी का भी सदस्य है, यानी ए का सारा सदस्य बी के अंदर भी समाया हुआ है। तब ऐसी स्थिति में कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल जो है वो सबसेट का है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए का सारा अवयव यदि बी का भी अवयव है, बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसी स्थिति में ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। और प्रॉपर सबसेट में भी लगभग सब कुछ सेम ही है, थोड़ा सा एक अलग कंडीशन है। यदि ए और बी दो सेट है, ए का सारा सदस्य अगर बी के अंदर प्रेजेंट है, और साथ ही बी में कम से कम एक एलिमेंट ए की अपेक्षा ज़्यादा हो, तब ऐसी स्थिति में कहा जाता है इसे प्रॉपर सबसेट। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज ए सबसेट ऑफ B, इसमें सिर्फ इतना ही आपको देखना है, A का सारा सदस्य B का हो जाना चाहिए। B में ज्यादा है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी स्थिति में कहलाएगा A इज ए सबसेट ऑफ B। यदि A का सारा सदस्य B में हो और साथ ही साथ B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में कहलाता है A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि कोई सेट A है जिसका अवयव 1, 2, 3 है, और बी का एक
अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 सपोज। तो ए का सारा अवयव बी के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में कहलाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और ए का सारा अवयव बी में है और बी में ए की अपेक्षा कुछ अवयव ज़्यादा भी है, इसलिए ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? एक सेट लिया 1, 2, 3 और डी भी एक सेट लिया है जिसका अवयव है 1, 2, 3। तो सी का सारा सदस्य डी का भी सदस्य है, तो सी कहलाएगा सी इज ए सबसेट ऑफ डी। लेकिन सी का सारा का सदस्य, सी के अंदर का सारा अवयव डी का भी है, लेकिन डी में सी की अपेक्षा ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, इसलिए सी इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। क्लियर है? और किसी भी सेट में, जैसे सपोज ए है, ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके अंदर कुल अवयवों की संख्या 5 है, तो इसे लिखा जाता है कार्डिनल नंबर। मैंने किसी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या को उस समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहा जाता है, और जिसे सिंबलाइज किया जाता है एन ए, इसे पढ़ा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितनी है 5। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितनी है 5, यानी किसी भी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या ही उसकी कार्डिनल नंबर कहलाती है। यहां से इस बात को नोट किया जाए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी अगर है तो ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर से, क्योंकि ए का सारा सदस्य बी के अंदर है, इसलिए ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर से या तो कम होगा या बराबर हो सकता है। और ए यदि प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ऐसी स्थिति में ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर, क्योंकि इसका सारा अवयव फिर इसमें है और इसमें इससे एक ज़्यादा है, इसका अर्थ है इसका कार्डिनल नंबर इससे ज़्यादा होगा, हर एक स्थिति में कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी विच इंप्लाइज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी विच इंप्लाइज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी। चलिए अब आगे देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? दो सेट का एक यूनियन बनता है जिसे सिंबलाइज किया जाता है ए यूनियन बी। तो यह भी एक सेट है और इस सेट के अंदर कौन सा सदस्य होगा, जो ए का होगा या बी का होगा, यानी दोनों समुच्चय के टोटल जितने भी एलिमेंट है ए के अंदर प्रेजेंट और बी के अंदर प्रेजेंट, उन दोनों को मिलाकर जो अवयव का एक समुच्चय बनाया जाएगा उसे ही कहा जाता है ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या कहलाता है? ए इंटरसेक्शन बी, इसका सिंबल इससे जस्ट अपोजिट है, ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर कौन सा अवयव आएगा, जो ए का हो और बी का हो, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिया जाएगा, माने समुच्चय ए और समुच्चय बी, सेट ए और सेट बी के जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनसे जो समुच्चय तैयार किया जाएगा उसे ही कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट्स, जिसे सिंबलाइज किया जाता है ए माइनस बी। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, जो ए का हो लेकिन बी का नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी के अंदर वह सब अवयव आएगा जो ए का हो लेकिन बी का ना हो। और समुच्चयों का पूरक कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा, जिसे सिंबलाइज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार से लिखा जाता है ए डैश, यह यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा लेकिन ए का एलिमेंट नहीं होना, यानी ए के एलिमेंट को छोड़कर, जो ए के एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो जो एलिमेंट बचेगा उन सारे अवयवों से जो समुच्चय तैयार होगा उसे ही कहा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। आइए इन चीज़ों को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने 3 सेट लिया ए बी और सी, जिसका अवयव है 1, 3, 5, 7, बी के अंदर है 2, 6, 7, 9, 10 और सी के अंदर है 5, 6, 7, 8
और इन सभी सेटों के लिए एक हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट तैयार किया जिसके अंदर अवयव है 1 से लेकर 20 तक। अब हम लोग निकालते हैं, जैसे सपोज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी भी एक समुच्चय है, इसके अंदर कौन कौन सा अवयव आएगा जो ए और बी दोनों का है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन ए सेट, मीन्स किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी ए में जो अवयव है और बी में भी अगर वो अवयव है तो हम लोग दोनों के लिए एक ही अवयव को लेंगे। जैसे वन ए में है, पहले ए के सारे अवयव को लिख ही दीजिए क्योंकि ए से अवयव भी आना है और बी से भी आना है। टू आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, सेवन, सेवन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेवन पहले से ही लिया जा चुका है, इसलिए सेवन को छोड़ दिया जाएगा। नाइन टेन, ये बन गया ए यूनियन बी। अगर सपोज हमको बी यूनियन सी निकालना हो, बी यूनियन सी, बी के सारे अवयव को पहले लिख दिए, अब इसको लेंगे फाइव आ सकता है, सिक्स नहीं आएगा क्योंकि सिक्स पहले से ले चुके हैं, सेवन भी नहीं आएगा, एट आएगा। क्लियर है, ए यूनियन बी समझे। अब हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, जैसे वन सिर्फ ए में है तो नहीं आएगा, थ्री नहीं आएगा, फाइव नहीं आएगा, सेवन सिर्फ एक एलिमेंट सेवन आएगा। जैसे बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो बी और सी में, टू नहीं हो सकता है, सिक्स होगा, सेवन होगा और नहीं आएगा। क्लियर है, यूनियन और इंटरसेक्शन को समझे। यूनियन क्या है, दोनों समुच्चय के अवयवों से मिला हुआ, एक सम्मिलन किया हुआ बना हुआ समुच्चय होता है, जबकि इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों से कॉमन आए एलिमेंट का समुच्चय होता है। क्लियर, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस को, ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या करेंगे, ए का अवयव होना चाहिए लेकिन बी का अवयव नहीं होना चाहिए। जैसे वन ए का है लेकिन बी में नहीं है तो ये शामिल होगा, थ्री ए का है लेकिन बी में नहीं है, फाइव ए का है लेकिन बी का नहीं है, सेवन ए का है लेकिन बी का भी है इसलिए इसे नहीं लिया जाएगा। ये हो गया ए माइनस बी। अगर सपोज बी माइनस ए निकालना होता तो क्या करते, बी का अवयव होना चाहिए लेकिन ए का नहीं, जैसे टू आएगा, सिक्स बी का अवयव है लेकिन ए का नहीं है, सेवन बी का है लेकिन ए का भी है इसलिए सेवन को नहीं लेंगे, फिर नाइन एंड टेन। क्लियर, अगर सपोज हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, एक कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, यूनिवर्सल का सेट का तो समुच्चय होगा ही, मान के अवयव होगा ही होगा लेकिन वह ए का अवयव नहीं होना चाहिए, यानी ए के अवयव को छोड़कर जो बच गया वह सारा इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। जैसे टू थ्री नहीं हो सकता है, फोर फाइव नहीं हो सकता है, सिक्स सेवन नहीं हो सकता है, एट नाइन टेन एंड डॉट 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 ट्वेंटी। उसी ढंग से अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो बी के अवयव को छोड़कर जो बच गया, वन टू नहीं हो सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं हो सकता है, सेवन नहीं हो सकता है, एट नाइन टेन नहीं हो सकता है, एलेवन ट्वेल्व डॉट 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 ट्वेंटी। उम्मीद है इन चीज़ों को आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए और एग्जाम्पल्स लेकर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बनाइए कि आपको यह समझ में आना चाहिए ए बी का समुच्चय है या नहीं है, ए बी का उचित समुच्चय है या नहीं है, ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन सा अवयव आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन सा अवयव आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ बताऊँगा जैसे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, इसके इंटरसेक्शन को किया जाएगा तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट। उसी ढंग से किसी भी संख्याओं के समुच्चय से हम लोगों को इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, ये सब के द्वारा हम लोग उस नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए सेट थ्योरी का थोड़ा ब्रीफली नॉलेज अच्छे ढंग से बनाइए कि आप समुच्चय के बीच में
ए बी के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि वह उसका समुच्चय है या नहीं है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। क्लियर है? आइए थोड़ा सा और इसे समझते हैं। असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट क्या है? यदि ए और बी को दो समुच्चय हो, ए और बी को दो समुच्चय हो, तो ए इंटरसेक्शन बी, यदि ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए, कोई भी एलिमेंट ना हो, इट मीन्स उसे फाई कहा जाता है, रिक्त समुच्चय। नल सेट इसे फाई से डिनोट किया जाता है। फाई एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर कोई अवयव नहीं पाया जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी किए और कोई भी अवयव ना आए, यानी रिक्त रह जाए, यानी खाली रह जाए, तो ऐसे दोनों सेट को हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ये कहलाता है डिसजॉइंट सेट। मीन्स कहने का अर्थ हो गया, दो समुच्चय में अगर कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना आए, तो ऐसी स्थिति में दोनों समुच्चय क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम की ओर। ठीक है यहाँ तक? परिमेय और परिमेय में अंतर समझिएगा। इससे पहले, संख्याओं के प्रकृति के हिसाब से संख्या तीन प्रकार में है। एक है ऋणात्मक संख्या, एक है शून्य और एक है धनात्मक। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी शून्य जो होती है वही न ही धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। इसे नंबर लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। शून्य से इधर वाली संख्या वह क्या है? पॉजिटिव। शून्य से लेफ्ट वाली संख्या है वो क्या है? निगेटिव। तो पॉजिटिव संख्या क्या होगी? वो शून्य से बड़ी होती है। निगेटिव संख्या क्या होती है? शून्य से छोटी होती है। और राइट में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, संख्याओं का मान भी बढ़ते चला जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की ओर आएंगे, संख्याओं का मान घटते चला जाएगा। अब आती है कि नन निगेटिव क्या होता है। तो पॉजिटिव और शून्य को मिलाने से बनता है नन निगेटिव। नन निगेटिव का अर्थ होता है अऋणात्मक, यानी जो ऋणात्मक ना हो, जो ऋणात्मक ना हो। तो ऋणात्मक कौन कौन सी संख्या नहीं होती है? जितनी भी धनात्मक संख्या है वह ऋणात्मक नहीं है, और शून्य भी ऋणात्मक नहीं है, इसलिए यह अऋणात्मक में शामिल होगा। अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो शून्य से बड़ी संख्या, अगर नन निगेटिव की बात की जाए तो पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विद जीरो, यानी जीरो के साथ पॉजिटिव को मिला देने से जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा वह क्या है आपका? अऋणात्मक, नन निगेटिव। नन पॉजिटिव क्या है? निगेटिव और जीरो को मिला देने से जो संख्या तैयार होगी वह कहलाएगी नन पॉजिटिव।
नॉन पॉजिटिव का अर्थ है अधनात्मक। अधनात्मक का अर्थ हो गया जो धनात्मक ना हो। तो धनात्मक कौन कौन सी संख्या नहीं होगी, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है वो धनात्मक नहीं है और शून्य भी क्या है धनात्मक नहीं है। इसलिए अधनात्मक के अंदर शून्य और निगेटिव भी शामिल हो जाएगा और नॉन निगेटिव के अंदर शून्य और पॉजिटिव शामिल हो जाएगा। आइए इन्हीं चीज़ों को नोटेशन के रूप में याद करते हैं। यदि कोई x संख्या है जो पॉजिटिव है तो तुरंत हम लोग के दिमाग में क्या मैसेज आएगा, x का वैल्यू जो है वह जीरो से बड़ा है। और x अगर निगेटिव है तो तुरंत x समझेंगे x का वैल्यू जो है वह जीरो से छोटा है। अगर x इज नॉन निगेटिव, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि x एक नॉन निगेटिव नंबर है तो हम लोग के दिमाग में तुरंत आएगा x या तो जीरो से बड़ी होगी या तो जीरो के बराबर होगी। यानी जीरो भी हो गया तो वह नॉन निगेटिव है और जीरो से बड़ी है तो वही वह नॉन निगेटिव है। और x अगर नॉन पॉजिटिव है इसका अर्थ है कि x या तो जीरो से छोटा होगा या जीरो के बराबर होगा। माने पॉजिटिव और नॉन निगेटिव में थोड़ा सा फर्क है, पॉजिटिव में शून्य शामिल नहीं होता है जबकि नॉन निगेटिव में शून्य भी शामिल होता है। और निगेटिव में क्या होता है, यहाँ भी शून्य शामिल नहीं होता लेकिन नॉन पॉजिटिव में शून्य शामिल होता है। यानी नॉन निगेटिव का निर्माण शून्य और पॉजिटिव के मिलने से होता है और जबकि नॉन पॉजिटिव का निर्माण निगेटिव नंबर और शून्य के मिलने से होता है। संख्याओं को इस प्रकार से समझ लेना कि कौन सी संख्या पॉजिटिव है, निगेटिव है, नॉन निगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है, परिमेय है, अपरिमेय है, तभी नंबर सिस्टम को अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। आज मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अगले सेक्शन में हम लोग संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ना चालू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।